हाय गाइज, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप अपने घर का बिजली बिल खुद से पे करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा कमीशन भी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और स्टेप बाई स्टेप देखते रहें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और आने वाली सभी वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने प्ले स्टोर में। यहाँ आपको सर्च बार में ऊपर टाइप करना है सुविधा ऐप। सुविधा ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। ओपन करते हैं। वीडियो में हम जानेंगे कि बिजली बिल कैसे आप इस ऐप की मदद से कर सकते हैं और एक्स्ट्रा कमीशन भी पा सकते हैं कि बचत भी कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर ही है न्यू कनेक्शन सर्विस। यहाँ से आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से नया कनेक्शन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू कनेक्शन कैसे करते हैं, चलिए इसमें हम जानेंगे बिजली बिल कैसे पे करेंगे। देख सकते हैं आप नीचे दोस्तों, बिलिंग सर्विसेज है, इस पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं अगर आप बिजली बिल इस ऐप से पे करते हैं और ड्यू डेट से पहले करते हैं तो आपको 2.5 का बचत होगी। आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपको ऑप्शन मिलता है व्यू बिल रिसिप्ट, यहाँ से आप बिल रिसिप्ट जनरेट। दूसरा ऑप्शन है आपको इंस्टेंट बिल पेमेंट और तीसरा आपको ऑप्शन मिल रहा है बिल ऑन मिस्ड कॉल। दूसरे वाले ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा इंटर कंज्यूमर आईडी या कंज्यूमर नंबर, आप यहाँ से इस पर डालने को बोला जा रहा है। तो चलिए फटाफट से हम कंज्यूमर नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। इसे आप समझ सकते हैं उपभोक्ता संख्या बोला जाता है। ने कंज्यूमर आईडी नंबर डाल दिया है और यहाँ पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बिल जनरेट हो जाएगी और आपके बारे में नेम और कंज्यूमर आईडी और किस मंथ का बिल बाकी है, आपको सारा चीज़ आपको ऊपर शो करेगा और ड्यू डेट कब तक है ये आपको भी बताया जाएगा और अमाउंट पेएबल कितना आपका बकाया अमाउंट है ये भी आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए आपके सामने देख सकते हैं 112 रुपये का ये बिल है और इसे हम पे करके बताने वाले हैं और इसमें आपको मैंडेटरी है, आपको मोबाइल नंबर डालनी पड़ेगी। तो चलिए एक हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। पे बिल पे हम क्लिक करेंगे, इसे ओके कर देंगे। पेमेंट मेथड के पास इतने सारे आ गए, क्विक पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR और UPI, आपके पास जो भी इसमें से अवेलेबल है आप उससे क्लिक करके और आप ये पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम UPI के द्वारा इसको पे करके देखते हैं। मेक पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आपके नीचे स्कैन QR भी आ गया। आप दूसरे फ़ोन से इस पे स्कैन करके भी पे कर सकते हैं, UPI ID यहाँ से डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से UPI ID डाल देते हैं। UPI ID अपना डाल देंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन जाएगी और यहाँ पे 5 मिनट का स्टार्ट हो गया। आप 5 मिनट के अंदर पे ये बिल पे कर, चलिए हमने यहाँ से बिल पे कर दिया और यहाँ पे देखते हैं ये ऑटोमेटिक क्या करती है आगे। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ये थैंक यू और बिल रिसिप्ट जनरेट हो गई। यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल प्रिंट करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर हम प्रिंट वाले ऑप्शन, आप स्क्रीन शॉट ले लें अच्छा रहेगा, और आपका प्रिंटर अगर लगा हुआ हो तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, बट ये सेव नहीं हो पा रही है। 100% बिल पे हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।